ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज 24, मैं हूं मुस्कान। मैनपुरी आगजनी हत्याकांड में सिखा ने तोड़ा दम। 2 जुलाई 2020 को 18 जून 2020 को मध्य रात्रि में मुरारी कश्यप, संजय सिंह आदि ने पेट्रोल छिड़क कर पूरे परिवार को जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें 2 वर्षीय ऋषि की मौके पर ही मौत हो गई। राम बहादुर सरला, रोली व शिखा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राम बहादुर सरला और शिखा की मृत्यु हो चुकी है। रोली जिंदगी में मौत से जूझ रही है, एक ही परिवार में 4 मौतें हो चुकी हैं। भारतीय समता समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले से अपने पदाधिकारियों के माध्यम से जिला अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, जिंदगी और मौत से जूझ रहे परिवार के सदस्यों का उच्च स्तरीय इलाज व मृतक के आश्रित को एक नौकरी अभियुक्त गढ़ की चल अचल संपत्ति सीज करने की मांग कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ध्यान नहीं दे रहा है। भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव नेता मनीष प्रजापति ने कहा कि हमारी मांगे आदि सरकार पूरा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। समस्त अपराधियों को पुलिस प्रशासन जेल नहीं भेजती है तो थाने का घेराव भी करेंगे। आजमगढ़ सरायमीर से नीरज कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।